अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों, खुश हों और सेहतमंद हों। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की तहरी। तो इसे बनाने के लिए हमने ये अपनी सब्जियों को कट कर लिया है, ये थोड़ा सा प्याज कट किया है, हमने ये टमाटर कट किया है, थोड़े से जो है हरी मिर्च हमने कट कर लिए हैं। इस तरह से एक मिर्च के 3-4 टुकड़े कर लिए हैं और हमने इसके लिए थोड़ा सा ये आलू को काट कर छील कर धो कर रख लिया है। थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में आलू को काटा है और इसके लिए हमने यही जो रोज़ हम खाते हैं नॉर्मल चावल, वही चावल लिया है ये, इसे हम भी हमने बीन कर रख लिया है। अब हम इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है। इसमें हम 2 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आप जिस हिसाब से बना रहे हैं तहरी, आप उस हिसाब से इसमें मसाले डाल सकते हैं। हम 1 गिलास 1.25 गिलास के करीब बना रहे हैं, तो हमने इसमें 2 चम्मच धनिया डाला है, ये 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। हम इसे अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। हमने कुकर में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा मेथी दाना डालेंगे और थोड़ा सा ये ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा चटकने लगेगा तो हम इसमें ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। कच्चापन ख़त्म होने तक इसे भूनेंगे। कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और ये जो मसाला बनाया था ये डाल देंगे, साथ में टमाटर भी डाल देंगे और ये 1 चम्मच नमक। अब हम इसे पकाएंगे कि मसाला हमारा तेल छोड़ दे और हमारे टमाटर भी एकदम सॉफ्ट होकर, सॉफ्ट हो जाएं, एकदम गल जाएं, तब तक इसे पकाना है। ये मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू और इन्हें भी ज़रा मसाले में थोड़ा सा भून लेंगे ऐसे ही। अब हम इसमें डाल देंगे ये चावलों को, हमने धो लिया अच्छे से, और अब हम इसमें ये चावल डाल देंगे। हमने चावलों को मसाले में अच्छे से मिला दिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। हम 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इस हिसाब से डालेंगे कि 1 गिलास चावल में 1.5 गिलास पानी डालें, आप जितने चावल बनाएं उस हिसाब से पानी डालें। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें और पानी भी आप अपने हिसाब से डालें। जैसे कि अगर आपको ये बहुत सूखी सूखी अच्छी लगती हो तो आप पानी 1 गिलास में 1.5 गिलास ही डालें चावल में, और अगर आपको थोड़ा सा ये गीली अच्छी लगती हो तो आप 1 गिलास में कम से कम पौने दो गिलास पानी डालें। मैंने 1.25 गिलास डाला, मुझे थोड़ी सी ड्राई थोड़ा कम अच्छी लगती है। अब इसके में हम एक ये मैजिक मसाला का पैकेट डाल देंगे, मैजिक मसाला है ये पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आपके पास अगर हरा धनिया हो तो आप वो ज़रूर डालें, और मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। उसकी भी खुशबू इसमें बहुत अच्छी लगती है। ढक्कन बंद करने से पहले आप नमक ज़रूर चख लें, अगर नमक कम हो तो आप इस जगह पे थोड़ा सा नमक और डाल दें। मेरा नमक थोड़ा कम है, हमने इसमें थोड़ा नमक और डाला है। अब हम इसमें ढक्कन लगाकर 1 सीटी हाई फ्लेम पर लेंगे और 1 सीटी के बाद हम इसे फ्लेम को कम कर देंगे और कम से कम 5 मिनट तक इसे ऐसे ही धीमी आंच में पकाएंगे, यानी कि सिझाएंगे। और उसके बाद में फिर प्रेशर रिलीज़ होने तक इसे हम ऐसे ही रहने देंगे कुकर को, हम सीटी इसकी निकालेंगे नहीं। ये हमारी आलू की तहरी तैयार हो गई है। ये तहरी हमारी बनकर रेडी है और ये देखिए अब हमें धनिया मिल गया है इतनी देर में, तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और हम इसे सैलड के साथ सर्व करते हैं। ये इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और देसी घी में बहुत अच्छा लगता है, आप इसे इसी के साथ सर्व करें। इसमें हमने मैगी मसाला ही मैजिक डाला है, इसका चटपटा टेस्ट है, ज़्यादा से टमाटर डाले हैं तो ये एकदम चटपटी सी बनी है और खाने में बहुत ही अच्छी है। आप इसे मेरे तरीके से एक बार ज़रूर बनाएं और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।